अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम हैदराबाद। बोरा बंडा की सीरीज़ में एक और शौक देखने के लिए हम टेरेस सेटअप पे आए हैं वहीद भाई के साथ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो हम लोग वहीद भाई कहाँ पर आए हैं थोड़ा बताएं आप लोगों को। ये मामू का सेटअप है जी, सुल्तान नगर न्यू सुल्तान नगर एरागड्डा न्यू सुल्तान नगर। सही है। और मामू का सेटअप आप बता रहे हैं माशाल्लाह। ये शौक एक सेलिंग का नहीं है, लेकिन शौक बताएंगे कि कैसे बकरियां पालते हैं और कैसा रखा जाता है उनको और कैसे उनका ब्रीडिंग और बच्चे आगे बेचते हैं। ठीक है, ये बकरी कब लिए थे? अभी 1 महीना हो रहा है। 1 महीना हो रहा है तो आप जैसा बता रहे थे कि इसका बच्चा आपने आगे सेल किया, बच्चे के साथ खरीदे थे इसको? हाँ, बच्चे के साथ में खरीदे। ओके, बच्चा तो बहुत नायाब दिखाया आपने अभी। बकरी की क्या डिटेल है पहले वो बताएं लोगों को। बकरी अभी 4 दांत अभी फ्रेश कर रही है। 4 दांत पे ही है? हाँ। मतलब बहुत यंग बकरी है माशाल्लाह। कान कितने? 18 इसकी लंबान आएगी, 8 चकलान है। गुलाबीपन बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अबलग कलर के अंदर। और अभी ये खाली है? अभी बादल से भरा है। बादल जो अनवर भाई का ब्रीडर है उससे ये लोड हो चुकी है अभी, है ना। इसके बच्चे के बारे में थोड़ा बताइए ना, मुझे काफी अच्छा लगा इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। बच्चा जो है ना जमरूद की लाइन का था। ओके, और ये जो बकरी भी है ना अच्छे लाइन की है। वो तो दिख ही रहा है क्योंकि कान इसका ठहराव देखें आप, कान का मोटापन और चेहरा भी देखें आप, बहुत उम्दा। ये देखिए आप, वहीद भाई भी हैं वीडियो में, सोहेल भाई भी बहुत तारीफ कर रहे थे बच्चे की। नया बच्चा है सोहेल भाई, एकदम खुला कान है, इसमें 5 फीस है। 2 महीने का बच्चा है ये, 3 महीने शायद, 2 या 3। और ये 16 के कान है जी। 16 और 7 के। ये आपने गुजरात में सेल किया माशाल्लाह, लोखंड वाला समीर भाई है ना, समीर भाई के यहाँ पर सेल आउट किया माशाल्लाह। तो ये बकरी देनी है अभी भाई को? नहीं है, अभी सेल किया, जस्ट ये रखेंगे अभी आगे ब्रीडिंग के, मतलब बच्चे आएंगे तो सेल करेंगे। सही है, देखिए गाबन है अभी, ठीक है, आगे बच्चे आएंगे तो आप अभी से बात करके रखें इंशाल्लाह। तो ये पहली बकरी देख ली हमने, ऐसी 2 बकरी और है वो दिखाते हैं लोगों को। ये दूसरी बकरी दिखा रहे हैं आपको मामू के सेटअप पे, देखो एक से एक नायाब बकरी है सोहेल भाई। टाइस तो बकरी ना पार्ट होंगी मेरे ख्याल से, पार्ट ही से नहीं पार्ट है, पार्ट है ना खालिद भाई। अभी पार्ट ही आई है, आप जरा शौक कराओ लोगों को। वहीद भाई क्या कान आएंगे इसके? 18 साढ़े 7 पट में ही, मतलब अदन पे ही? अदन अभी 2 दांत लगाई है फ्रेश। जैसा हम लोग आज कार में बात कर रहे थे कि हैदराबादी नस्ल ये 12 महीने में भी दांत कर देती है, उम्र में होगी कम लेकिन दांत बाज मरतबा जल्दी लगा देते हैं। ये जो एक न्यू क्वालिटी देखने मिल रही है कि मार्बल सिंह आ रहे हैं जी। पहले क्या होता था, आधी काली या पूरी काली भी आती थी सिंह, मार्बल सिंह अदंत है। ये गाप कराए हो कि खाली है अभी? नहीं, अभी जानशीन के बच्चे से लोडेड है। जो जानशीन का बच्चा आपके पास है? चलिए बहुत अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस है। मैक्सिमम वाइट बकरी है जैसी बकरी, पैरों पे ही है ना सिर्फ ब्लैक मार्किंग्स। ये जालिम की पोत्री है, बेटे की बेटी है, जालिम बोल के जो बकरा था। जैसे ना बहुत लोग को नहीं मालूम आते हैं क्योंकि बॉम्बे में आया हुआ, नहीं मालूम आते, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो किसके पास था? जाफरान लाइन, हाँ ये समझता है लोगों को, अनमोल जाफरान है ना, आसानी से समझ में आता है। तो बहुत अच्छी लाइन की आप बोल रहे हैं ऐसा माशाल्लाह। सही है, चेहरा भी देखो यहाँ पर क्या देखा, लाइन देख के काम करते हैं। हाँ, अच्छी लाइन की बकरी रहना है ना, बकरा तो अच्छा रहता ही है। लोग क्या करते हैं बाज मरतबा कोई भी बकरी चला दो, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से लाइन मजबूत होना चाहिए। बात औकात क्या होता है, छोटे कान के भी बकरियां आ जाती हैं उसमें लाइन में, फिर वो पलटा के अच्छे कान साइज बनाती हैं, इसलिए बहुत सबर का काम है। सबर का काम है, सबर के बगैर काम नहीं होता। जैसे लिए बेचो उसमें नहीं होगा, बेचो उसमें कुछ भी नहीं रहता, ब्रीडिंग में जितना वो रहता है। देखो क्वालिटी बकरी की माशाल्लाह क्वालिटी है, एकदम सफ़ेद दूध जैसी और पूरी गुलाबी बकरी माशाल्लाह, क्या बात है। ये तो एक एकदम ट्रेडमार्क बन गया है हैदराबाद का। खुला खुला सब ऐसा क्या है ये सिर्फ हैदराबादी बकरी में ही है, बाकी जगह देखोगे तो कान मुड़ जाते हैं ना।
यहाँ तक आप सऊदी अरब हिजाजी बकरी भी देखोगे ना, मुड़े हुए कान है, खूबसूरती नहीं दिखते ना आजम भाई। जो चकलान है वो सिर्फ हैदराबाद में ही है माशाल्लाह। पत्ता लो भाई, पत्ता चकलान का पत्ता, लेकिन ये बेचने नहीं है अपने, बेचने नहीं तो क्या ले बोलेंगे तो लोग फोन करेंगे पत्ता देंगे। तो शौक करा रहे दोस्तों, तीसरी बकरी दिखाते हैं अभी मामू के सेटअप के। ये बकरी के बारे में लेकिन आप बताइए मेरे को, बहुत नायाब चीज है, इसकी आंखें आंखें बहुत अच्छी है भाई। क्या है भाई, नजर का शौक है नहीं, आपका बड़प्पन है, आपका भी शौक अच्छा है, ऐसी बात नहीं है भाई, क्योंकि ऐसी बकरियां कोई नादान नहीं रख पाएगा। जी वही भाई, आप बताएं। 18.5 कान है इसके, और इसके आंख एंटिक है। एंटिक बोले तो सही बोलूं, मैंने बकरों में तो देखा, बकरी में पहली बार देख रहा हूँ ऐसे, बकरों में तो बहुत है, फुल क्वालिटी, क्या लाइन है बकरे के टाइप की आंखें हैं इसके। इसको तिरछी आंख बोलते हैं आपकी लाइन में, बकरों की लाइन में इसको तिरछी आंख बोलते हैं। और मैं सुना हूँ ऐसी आँख आएगी तो बहुत अच्छी नस्ल है, अच्छी नस्ल में मानते हैं, ओल्ड ब्रीड लाइन। हाँ, क्या कान आ रहे हैं माशाल्लाह। ये जानशीन के बच्चे से 3 महीने के लोडेड है। ओके, अपना जो बकरा है जानशीन, उससे 3 महीने के लोडेड है। ये भी नहीं देना है? नहीं अभी तो नहीं, इसके बच्चे देंगे इंशाल्लाह। तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ना, मामू का नंबर दे दो एक बार, तो कॉन्टेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। जब भी कुछ अगर देने लेने का रहा तो आप बोल सकते हैं लोगों को। एक बार नंबर बोल दीजिए भाई आपका, 81252587 8799933। वहीद भाई से भी कांटेक्ट कर सकते हो, वहीद भाई आपका नंबर बोल दो, 9347 96851। खास करके मैं बोलूँगा बोरा बंडा के एरिया में आपके ऐसे शौक बहुत बड़ा है लोगों का। एक और है, ये नूरी बकरी है, ये सेटअप पे नहीं थी, अभी आई है। दिल पसंद के बेटे से गावा है, दिल पसंद का एक बहुत नायाब बेटा है, भाई ने बताया मेरे को, क्या बकरी है माशाल्लाह। ये अगर कोई खरीदना चाहे तो वहीद भाई से कांटेक्ट कर सकता है, चलेगा। तो हमने तीनों बकरियां देख लिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने के लिए। खालिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे साथ। ये हमारे, ये मामू के भाई है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मामू, इसलिए नाम पड़ा इनको, चाहत के लोग मामू बुलाते हैं, मामू से पहचानते। सही है, चलिए रास्ते में बोल रहे तो हम समझे बुजुर्ग आदमी है। समझते हैं। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने दिखाया सेटअप, कोई जल्दी दिखाता नहीं है। चलेगा, अस्सलाम वालेकुम।